बसंती कपड़े और कॉफी, ये ब्रांड भी बढ़िया बना रखा है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने आया हूँ वेगस मॉल, ना कि लास वेगस यूएसए वाला। तो ये है द्वारका में और इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 14। वैसे तो हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं बट आपको पूरा स्टार्टिंग से और एंडी तक सब दिखाएंगे। चलो चलते हैं गाइस से अंदर। सबसे पहले यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग के यहाँ पे लेफ्ट में ये बना रखा है बच्चों का प्ले जोन। यहाँ पे ट्रेन वगैरह बना रखी है और भी मतलब ज़्यादातर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं बच्चे। ये टिकट काउंटर है तो प्ले एरिया भी काफ़ी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे। तो चलो आ जाओ मेन मॉल के अंदर चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हल्दीराम है और देन उसके बाद यहाँ पे ये मॉल स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बना रखी है। ये ओरा एक ये शोरूम है, ओरा 1888 इतना पुराना। और इस साइड ये दोबारा प्ले जोन बना रखा है बच्चों का ही। ये दोबारा प्ले जोन बना रखा बच्चों का, मतलब बच्चों का तो काफ़ी बड़ा एरिया बना रखा है यहाँ। और भीड़ देखो कितनी इकट्ठी हो रखी है, मतलब पब्लिक तो पूरी आ रखी है। एक मॉल का एरिया वो है, एक ये है। तो चलो पहले ये वाला कवर करते हैं फिर उस साइड चलेंगे। इस साइड तो है ये ओरा का एक शोरूम मैंने दिखा दिया, ज्वेलरी का स्टोर है ये। ये तनिष्क का स्टोर है, ये भी ज्वेलरी का। और ये लुक सैलून है यहाँ पे। और एक ये दया ऑप्टिकल्स है। और इस साइड तो लिफ्ट एरिया है। और ये कल्याण ज्वेलर्स, इस साइड तो मुझे लग रहा है सारे ज्वेलरी स्टोर हैं। ये केरा और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, ये भी ज्वेलरी स्टोर बना रखा है। ये lenskart.com का स्टोर, एक ये ब्लू स्टैंड प्योर ज्वेलरी स्टोर, मैकडी, ये मैकडी बना रखा है यहाँ पे। तो अभी तो स्टार्टिंग में यही सब स्टोर है और देखते हैं आगे क्या क्या है। इस साइड ये अच्छा ये पार्किंग का बैक एरिया बना रखा है। और इस साइड चलते हैं, आ जाओ इस साइड देखते हैं। तो अच्छा ये आई थिंक फाउंटेन एरिया बना रखा है यहाँ पे। दुनिया नंगे पैर घूम रही है देखो यहाँ पे, बच्चे बच्चे सब कूदने लग रहे हैं पानी में। तो चलो, और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का रास्ता है। इस साइड तो नीचे एक निरुला स्टोर है और एक हेल्थ कार्ड का स्टोर है। तो चलो ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे देख के आते हैं और कौन कौन से स्टोर हैं। मैं यहीं से दिखाता हूँ वैसे तो आपको। ये क्रोमा का स्टोर है एक, और उस साइड मान्यवर का स्टोर है एक, एक एथनिक्स बाय रेमंड और देन जोकी, और एक एचपी वर्ल्ड के नाम से। इस साइड तो यही स्टोर है बेसिकली। तो चलो मॉल के अंदर ही चलते हैं। आप एक ये एंट्री बना रखी मॉल की, एक वो सामने, एक ये थीम बनाई हुई है कोई द लॉस्ट वर्ल्ड। तो चलो पहले चेकिंग कराते हैं, चलो चलते हैं अंदर। सबसे पहले एक ये स्टोर है फॉरेस्ट एसेंशियल्स लग्जरियस आयुर्वेदा, एक ये मैक स्टोर है। और इस साइड तो गाइस ये एक लॉस्ट वर्ल्ड है, इसमें जाने के लिए देखो इतनी लंबी लाइन है, उसके बाद जाना पड़ेगा। पर मैं आपको थोड़ा बाहर से ही दिखा देता हूँ ये क्या थीम बनाई हुई है। ये देखो ये थोड़ा जंगल टाइप थीम बनाई हुई है। ये एक एलिफेंट है, इसकी सूंड मूव कर रही है। एक ये साइड में पता नहीं कौन सा है, ये इसके हाथ और मुंह मूव कर रहे हैं। एक ये बच्चा उसके हाथ मार रहा है, उसकी मुंडी घूम रही है। एक ये शेर की मुंडी घूम रही है। एक ये एलिफेंट, तो बढ़िया बना रखी है।
करने पर काफ़ी टाइम लग जाएगा घर में, तो मैं आपको बाकी मॉल दिखाता हूँ। एक ही मॉल हो रहा है क्योंकि ये बना रखा है पिन एंड रिंग। तो गाइस पिन के बाद चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक तो ये बना रखा है मैप, फॉसिल वर्ल्ड, फोटो जोन, एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, ये तो हमने एक देख लिया। तो चलो आगे देखते हैं और मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि घोड़े की थीम बना रखी है। और इस साइड एक ये शोरूम है बाथ एंड बॉडी वर्क्स, एक ये शोरूम है। और इस साइड ये डाइसन का बना रखा है। और आगे चलते हैं देखते हैं, इस साइड भी ये डाइसन का ही है। और इस साइड ये है द मिलानो इटालिया रोसो ब्रोनिलो कितने जबरदस्त नाम बना रखे। ये सीके जीन्स कैल्विन क्लेन, और ये सुपर ड्राई का स्टोर। और इस साइड स्वारोवोस्की, एक स्टीव मैडन, एक स्टारबक्स कॉफ़ी, मतलब स्टोर्स तो सारे वीआईपी वाले हैं यहाँ पे। और एक ये चार्ल्स एंड कीथ CNK। और इस साइड ये एक यूनिक्लो इसका स्टोर है, ये आई थिंक जापान का स्टोर है यहाँ तक मुझे पता है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। और इससे आगे है ये एक द बॉडी शॉप, एक ये स्टोर, ये लेडीज़ का स्टोर है बेसिकली। और एक ये है एल्डो स्टोर। और इस साइड एक ये द ऑफिशियल लैकोस्टे, लैकोस्टे का स्टोर है, एक ये अमेरिकन ईगल। और उसके आगे है एक सेफोरा स्टोर है, मतलब स्टोर तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है हर किसी का पाएगा, जो जो ब्रांड पता है उसके तभी तक मिल रहे। जैसे कि टोमी हिलविकर का एक स्टोर आ गया, और उससे आगे अंडर आर्मर का भी स्टोर है, और देन फिर एक अरमानी एक्सचेंज का स्टोर है। तो चलो अरमानी एक्सचेंज के बाद अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलो फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं और कौन कौन से स्टोर हैं। इस साइड से चलते हैं, ये है एक ये स्टोर है वुड्स का स्टोर है, और एक इस साइड है जॉन जैकोब्स, और उसके बाद है फ्लाइंग मशीन का एक स्टोर, और देन है एक ये सैमसंग का स्टोर, सैमसंग का ऑफिशियल स्टोर। और इस साइड लेवाइस का शोरूम। और आगे चलते हैं और देखते हैं, और इस साइड है ये एडिडास स्टोर। और नेक्स्ट गाइस ये एसिक्स का स्टोर है, कमेंट करके बताना। लास्ट टाइम मैंने एक एसिक्स का न्यू स्टोर ओपन हुआ था एमबीएस मॉल में, उसमें कौन सेलिब्रिटी आया था कमेंट करके बताना अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो। ये फिला का स्टोर है, और एक ये सेलियो का स्टोर है कपड़ों का, और ये एप्पल का एप्ट्रोनिक्स। और इस साइड है ये डैनियल वेलिंगटन, अच्छा ये घड़ी का स्टोर है, और ये क्रोक्स मेरा फेवरेट स्टोर, और ये कैसियो का स्टोर। और इस साइड और देखते हैं, इस साइड ये है एक, अच्छा ये कोस्टा कॉफ़ी का स्टोर बना रखा है, और सीटिंग वगैरह का भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और ये हमने जहाँ से एंट्री की थी, ये बाहर का व्यू, भीड़ पूरी इकट्ठी हो रखी है। और इस साइड है लोपेरा का स्टोर, लोपेरा ये भी अच्छा बेकरी टाइप स्टोर है। और इस साइड देखते हैं, इस साइड और है मॉल तो काफ़ी बड़ा ही लगा लो, वैन हुसैन एक्टिव। और अच्छा ये वैन हुसैन एक्टिव स्टोर है एक, अच्छा ये लोअर टी शर्ट और उनका, और एक ये वैन हुसैन, ये वो वाला है फॉर्मल वियर, आई थिंक फॉर्मल वियर स्टोर। और नेक्स्ट है एक ये लुइस फिलिप का स्टोर, देन है सैमसोनाइट का स्टोर, अच्छा ये बैग्स और उसके लिए। और इस साइड है ये लाइफस्टाइल, एक ये लाइफस्टाइल स्टोर है। और देन है ये एलन सोली का स्टोर, और एक है ये एरो का स्टोर, देन ब्लैकबेरी स्टोर, और मतलब स्टोर ही स्टोर है, शायद ही कोई स्टोर होगा जिसमें नहीं होगा। प्यूमा का स्टोर भी है, देन मोहन लाल सन्स का स्टोर भी है। मोहन लाल सन्स इतना पुराना है, सीन 1881,
देन पार्क एवेन्यू का स्टोर है एक, और उसके बाद हस्त पपीज का स्टोर है, और उस साइड है स्केचर का स्टोर। चलो ये हो, और एक सामने है नाइकी का स्टोर। तो गाइज अब आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे है एक मोची स्टोर, और इस साइड है ये काजो स्टोर, और देन है ये लैटिन क्वार्टर्स, एक ये स्टोर है, और इस साइड है कृति क्रिएशंस, ये होम डेकोर का स्टोर है, और इस साइड ये आई थिंक अच्छा नेल स्टूडियो बना रखा है, रहब सेडी नेल स्टूडियो, और इस साइड है ये बरिस्टा का एक कॉफ़ी, और ये हमने अभी ये देखा था जो नीचे, अब शायद सही से दिख जाएगा, जो द लॉस्ट वर्ल्ड का जो थीम बना रखा है वो ऐसा है। अंदर जाने से इतनी बड़ी लाइन से बढ़िया तो ऊपर से देख लो, ये बना रखा है द लॉस्ट वर्ल्ड। और इस साइड, चलो इस साइड देखते हैं और कौन कौन से स्टोर हैं। एक ये है मियाँ बाय तनिष्क स्टोर है, ज्वेलरी स्टोर। एक ये कैरेट लेन, ये भी तनिष्क का ही स्टोर है। और नेक्स्ट है मेलोरा, ये भी ज्वेलरी स्टोर है। और इस साइड है ये दो कलर्स का स्टोर एक, और देन और देखते हैं आगे। अच्छा ये बच्चों का थीम भी बना रखा है यहाँ पे, देखो जिराफ के साथ फ़ोटो भी ले सकते हो आप। और इस साइड है एलन सोली जूनियर्स, अच्छा एलन सोली वुमेन, मतलब मैन की कोई कदर नहीं, मैन का है ही नहीं। एक ये मदर केयर स्टोर, ये भी काफ़ी बड़ा है मदर केयर स्टोर। और ये ओम बुक शॉप, और देन है ये फैब इंडिया का स्टोर एक, और इस साइड है ये टेनीरा, आई थिंक टेनीरा ही करेंगे इसे प्रोनाउंसिएट, और टाटा प्रोडक्ट। और ये नाम कितना बढ़िया ब्रांड का, वन फ्राइडे। और देन है ये टेक फैब स्टोर एक, और एक ये बाईजूस का एक इवेंट चला रखा है यहाँ पे। देन है जिवामे का स्टोर एक, ये लेडीज़ ये कपड़े क्रोक्स और लेडीज़ का। ये बॉम्बे सिलेक्शंस, ये भी लेडीज़ का, अच्छा ये वाला आई थिंक लेडीज़ का है ये वाला फ्लोर। ये एंड ये भी लेडीज़ का स्टोर है। ये मीना बाज़ार, ये भी लेडीज़ का। और देन है फिर ये ऑरेलिया, ये भी लेडीज़ के कपड़ों का स्टोर है। सेकंड फ्लोर तो आई थिंक स्पेशली लेडीज़ का बना रखा है। ये देखो ये भी लेडीज़ के कपड़ों का, ये है ग्लोबल रिपब्लिक। और देन है ये डब्लू स्टोर, ये भी लेडीज़ का। तो गाइस अगर लेडीज़ कपड़े लेने हैं तो उसके लिए है सेकंड फ्लोर। और ये है पेंटलूम्स, और देन एक ये हेलियोस द वॉच स्टोर, ये टाइटन आई प्लस का स्टोर है। और आगे है बाटा स्टोर। तो चलो और दो तीन स्टोर और रह गए, वो और देखते हैं सेकेंड फ्लोर पे। ठीक है वैन हुसैन इंटीमेट्स, ये बैगिट, ये भी लेडीज़ का स्टोर था पीछे वैन हुसैन का। ये चुंबक, ये भी नहीं ये तो सबके लिए है। एक है काला निकेतन, ये भी लेडीज़ फुटवेयर स्टोर। और देन ये है बसंती कपड़े और कॉफ़ी, ये ब्रांड भी बढ़िया बना रखा है। एक ये गीतांजलि स्टोर है, गीतांजलि सैलून, और एक ये मैडामे, और लास्ट है ये सोच स्टोर। ये तो सारे लेडीज़ के ही स्टोर हैं यहाँ पे, और एक लास्ट है विभाग। चलेंगे हम थर्ड फ्लोर पे, तो चलो थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। तो भाई थर्ड फ्लोर तो बेसिकली फूड कोर्ट बना रखा है पूरा, तो यहाँ पे तो खाने पीने का ही है ज़्यादातर सब कुछ। ये देखो फुल भीड़ है यहाँ पे, मॉल में तो ये लगा लो फुल रस है। इस साइड भी ये खाने पीने के स्टोर बना रखे हैं। इस साइड तो ये टाको बेल का स्टोर है, एक रिलायंस डिजिटल है। और इस साइड ये बना रखे हैं बर्गर किंग, KFC, डोमिनोज, पंजाबी बाय नेचर एक्सप्रेस, वाओ मोमो, मस्का, रिंग, रोल्स एंड किंग्स, सबवे। तो इस साइड तो बेसिकली बस खाने का ही है, और उस साइड
पीवीआर मल्टीप्लेक्स मूवी देखने का है। तो चलो लास्ट फ्लोर पे और होके आते हैं, उस पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो भाई टॉप फ्लोर पे बना रखा है, अच्छा बच्चों का प्ले जोन बना रखा है। स्टार्टिंग भी बच्चों के प्ले जोन से थी और एंडिंग भी बच्चों के प्ले जोन से। ये है द फन स्विंग, ठीक है, और इस साइड ये रेसिंग गेम्स बाइक वाले ये बना रखे हैं। देन कार्निवल गेम्स, इस साइड भी ये गेमिंग का बना रखा है, ये आई थिंक बंद है अभी, ये झूले और वो सब बना रखा है। और इस साइड ये आइस हॉकी बना रखा है, और इस साइड ये ट्रेन वाला बना रखा है, और ये टॉफी कलेक्टर वाला बना रखा है, और इस साइड ये बाइकों वाला बना रखा है। अर्धगे कितने सारे वो बना रखे हैं, ये जुरैसिक पार्क, एक ये हेलो किटी का बना रखा है, और इस साइड ये V20 क्रिकेट, मतलब बच्चों का भी काफ़ी बढ़िया प्ले जोन बना रखा है। एक ये है, एक ये बना रखा है, एक ये है विन एवरी टाइम, एक ये बना रखा है, एक ये हॉर्स राइड, और इस साइड देखते हैं, इस साइड भी ये टॉय कलेक्टर वाले वो, ये मैंने बहुत ट्राई करा पर आज तक जीता नहीं। इस साइड ये बना रखा है, वो मारने वाला गेम चल रहा है एक, इस साइड भी ये गेम, अच्छा ये कुछ परचेज करना उसके लिए, एक ये काफ़ी बड़ा बना रखा प्ले जोन भी। ये देखो लाइन लगी हुई है इवेंट टिकट काउंटर्स और उन सब चीज़ों पे। तो चलो यही था बस मॉल का, मॉल की सारी चीज़ें, अब चलते हैं वापसी। और सबसे ऊपर लास्ट एक चीज़ ये द नीचे था ना द लॉस्ट वर्ल्ड, उसके एक दो चीज़ें और यहाँ रखी हुई है। एक ये शेर है इसकी मुंडी घूमते हुए, एक वो उसकी मुंडी घूम रही, और एक ये टोटा, ये तो अच्छा ही आई थिंक टोटाइज ही है। तो चलो चलते हैं, और ऊपर इससे ऊपर भी एक फ्लोर है। तो चलो मैं तो सोचा मॉल ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे एक फ्लोर और बचा है, इस पर और देख के आते और क्या चीज़ है। ये देखो थीम भी काफ़ी बढ़िया है, एम्बियंस बढ़िया है मॉल के अंदर का, इसमें देखते क्या है। अच्छा ये रेस्टोरेंट फ्लोर होगा आई थिंक। ये एक ये बना रखा है वाओ चाइना बिस्ट्रो, और एक यहाँ पे ये स्टोर बना रखा है, एक ये स्टोर है, ये है नेंडो स्टोर बना रखा है कि ये। अच्छा ये बन रहा है अभी, ये तैयार हो रहा है, और इस साइड है ये, एक ये है वी टेक जोक्स सीरियसली द लॉफ स्टोर, आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडियन और वो सब आते हैं ना उनके लिए बनाया हुआ है ये। एक ये है ये BN स्टोर, ये खाने पीने का बना रख। एक ये अच्छा बारबेक्यू नेशन भी है यहाँ पे, ये बारबेक्यू नेशन है। और आगे देखते हैं, एक ये है ढाबा इस्टेब्लिश्ड 1986, एक ये है, और ये मुसाफिर हैं। एक ये ढाबा बना रखा है, एक ये खाने पीने का बना रखा है जेमियाज पिज़्ज़ेरिया, और एक ये ड्यूटी फ्री बना रखा है, और लास्ट में है एक इम्परफेक्टो। बस यही थे स्टोर। तो चलो चलते हैं अब। तो गाइस बस यही था बेसिकली मॉल, मैंने आपको सारा दिखा दिया। ये लगभग 6 फ्लोर का मॉल है, इतना बड़ा है कि मैं तो चल चल के थक गया खाली वीडियो बना बना के, बट ठीक है फाइनली पूरा मॉल दिखा दिया। अब चलते घर की तरफ वापसी, डायरेक्ट लिफ्ट लेंगे, नीचे पहुँचेंगे, पार्किंग में पहुँचेंगे और घर चलेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।